ये वाले मैंने एप्पल लिए हैं, इसको मैंने धो दिया है। अब इसको मैं तैयार करूँगी, इसके छिलके निकाल के, और फिर मैं आपको इसका स्वीट डिश कैसे बनाते हैं इस बताऊँगी। ये है सौंफ, मीठी सौंफ, ये मैंने पीस दी। मतलब इसको दरदरा सा बनाया, अगर स्मूथ रखेंगे ना तो ऐसी दांत में या मुंह में ऐसी फंसता रहती है सौंफ, इसीलिए मैंने इसको पीस दिया है। सौंफ डाल दिए मैंने इसमें, और काली मिर्चें, और लौंग, और छोटी इलायची, और यहाँ मैंने ये चीनी वाला पानी भी गरम कर दिया था। जब तक ये ब्राउन हो जाते हैं, सौंफ ब्राउन हो गया, उसके बाद हम डाल देंगे इसमें एप्पल जो हमने काटे। फ्रेंड्स, इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे हम। मतलब जैसे आपको लगे कि आपका एप्पल पका हुआ है, ज़्यादा तो टाइम नहीं लगेगा, और ये थोड़े कच्चे थे तो टाइम लग रहा है मुझे, तो इसको हम ऐसे ही रख देते हैं अभी 5 मिनट बाद। फिर से इसको हम चेक करेंगे। और फ्रेंड्स, इसको सेम गैस पे ही बनाएं। फ्रेंड्स, अब इसमें हम डाल देंगे ये मैंने बादाम को काटा हुआ, ये डाल देंगे, और ये गरीबी बुरादा जो मैंने कद्दूकस की थी वही है ये। अब डाल देंगे हम इसमें मगज, और आप डाल देंगे हम इसमें किशमिश, दाख भी बोलते हैं हमारे तो। अब इसको हम ऐसे ही घुमाएंगे। और थोड़ी देर के लिए अब इसको चार मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे हम इसको। मैंने इसमें पानी डाल दिया है, अब इसको हम पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए, 5-6 मिनट के बाद चेक करेंगे।